हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेक कैलिपर और ब्रेक शू का सर्विस का सही तरीका क्या है और कैसे करना चाहिए वो बताऊंगा, और हर गाड़ी के लिए ये प्रोसेस सेम होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको गाड़ी से जुड़ी सारी जानकारियां यहां मिलेंगी। इस कैलिपर में दो कैलिपर पिन का सर्विस करेंगे और इस पूरा प्रोसेस में केवल एक बोल्ट लूज करके पूरा काम हो जाएगा। इस सर्विस को 7 से 10 हजार किलोमीटर पे करना चाहिए। इससे जो डिस्क प्लेट है और जो कैलिपर सिलेंडर है वो जल्दी खराब नहीं होता है और जो ब्रेकिंग पावर है वो भी बढ़ता है, और ये काम बहुत कम सर्विस सेंटर पे अच्छे से होता है। 600 से 800 का सर्विस कॉस्ट आता है इस पे। तो पहले इस बोल्ट को हम खोल लेंगे। इस पे 12 mm का रेंच लगेगा, इसको रिंग या सॉकेट से ही खोलना है। और इजीली कैलिपर को ऊपर घुमा लीजिए। आप सुन सकते हैं कि हल्का सा हैमरिंग से ही पूरा मेटल का साउंड आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। और ये बुशिंग भी हार्ड हो गया है, इसके अंदर का ग्रीस ड्राई हो गया है और जरा सा भी मूव नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। पहले वार्निंग प्लेट को हटा लेना है। ब्रेक शू को ऊपर से पहले आपको निकालना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। आप ब्रेक पैड को देख सकते हैं कि एक ज़्यादा घिसा है और एक कम घिसा है, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ब्रेक पैड पे कोई क्रैक नहीं होना चाहिए वाल और फेस पे। पहले ब्रेक पैड को क्लीन करेंगे, उसके बाद कैलिपर पिन को। आपको 320 ग्रिट का सैंड पेपर ले लेना है और उसको फ्लैट सरफेस पे रख के जो ब्रेक पैड है उसको क्लीन करना है, और ऊपर का जो पूरा शाइनी मटेरियल है उसको निकालना है, बट ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं डालना है। आपको सेम ऐसा ही क्लीन कर लेना है, और आप दोनों पैड में डिफरेंस देख सकते हैं। और आपको जो दूसरा पैड है आपको भी सेम इसी तरीके से क्लीन कर लेना है। और पैड को अब हम WD-40 से एक बार क्लीन कर लेंगे। अब इस कैलिपर पिन को आराम से निकालना है, और आप देख सकते हैं कि पूरा ड्राई हो गया है। और रीजन ये है कि कैलिपर काफी हीट होता है। पिन और बूट को पेट्रोल से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। पिन का सिलेंडर क्लीन करने के लिए पहले पेट्रोल डाल के क्लीन करेंगे। पतले कॉटन क्लॉथ में पेट्रोल लेना है और सिलेंडर के अंदर डाल के घुमा घुमा के क्लीन कर लेना है। ऊपर का पिन स्लाइड करके निकल जाता है। पूरा कैलिपर को वायर या हुक से लटका देना है। ब्रेक लाइन पे कोई भी लोड नहीं आना चाहिए। ऊपर के बूट और पिन में थोड़ा सा ग्रीस बचा हुआ है, और अब बूट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ऊपर के सिलेंडर को भी सेम क्लीन करना है जैसा आपने नीचे वाले को किया था। पिन को भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब बूट में ग्रीस डालना है, और ज़्यादा ग्रीस नहीं डालना है, और सिलेंडर में भी थोड़ा सा ग्रीस डालना है। पिन में ग्रीस लगाना है पतला लेयर, और बूट को डाल दीजिए। पूरा कैलिपर को वापस अंदर डाल दीजिए और थोड़ा सा स्लाइड करके हमें इसको अंदर डालना है। आप देख सकते हैं कितना फ्रीली मूव कर रहा है। मैंने ऑलरेडी ब्रेक ऑयल फ्लश और ब्लीड करने का वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आपको आई बटन भी आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। नीचे का बूट में ग्रीस डालना है और सिलेंडर में थोड़ा सा ग्रीस डालना है। पिन में भी पतला लेयर ग्रीस लगा देना है। पिन के एंड पे थोड़ा सा ग्रीस लगा के सिलेंडर के अंदर डालना है, और पिन को आगे पीछे स्लाइड करके अंदर डालना है। और आप देख सकते हैं कि कितना फ्री मूव कर रहा है। पहले तो ये पूरा हार्ड हो गया था। अंदर का ब्रेक पैड ज्यादा क्यों घिसता है, आप देख सकते हैं। अंदर का डिस्क प्लेट भी ज्यादा घिसा हुआ है। ये हर गाड़ी में होता है, 80 हजार किलोमीटर पे नोटिस पे आएगा। और ये नॉर्मल है, क्योंकि अंदर का जो पैड होता है उस पर पिस्टन का ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए पैड और जो प्लेट है दोनों ज्यादा घिसता है। तो हर 10 हजार किलोमीटर पे ये जो पैड है इसको आपको स्विच करके लगाना है। जो मोटा वाला है उसको अंदर करना है, और जो पतला वाला है उसको बाहर की ओर करके लगाना है।
आपको पहले ब्रेक पैड को आगे से अंदर डालना है, उसके बाद ऊपर और नीचे जो रैटल पिन लगा हुआ है उसमें कट है, और आपका जो ब्रेक पैड है उसमें भी कट है। दोनों कट मैच होके अंदर फिट हो जाता है और आप देख सकते हैं कितना इजीली हमारा ब्रेक पैड अंदर चला गया। और अंदर का पैड सेम तरीके से फिट होगा, केवल कट को सही तरीके से मैच करना है। और अब वार्निंग प्लेट को हम लगा देंगे। कैलिपर और नीचे का पिन में कट होता है, दोनों को मैच करके फिट करना है। बोल्ट को टाइट कर दीजिए और सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट साइड व्हील के साथ भी करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।